हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये सीरीज देखी होगी जो हाउ टू प्रिपेयर के नाम से मैंने बना रखी है। इसमें एक्चुअली मैंने अभी प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर दिया था, हाउ टू प्रिपेयर गेट सब्जेक्ट्स के नाम से है, तो ये आप लोग एक्सेस कर लेना इसको। इसमें मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड के लिए है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए है, और सी प्रोग्रामिंग, डीएस एल्गोरिथम्स के लिए है, और उसके बाद कंपाइलर डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन टीओसी के लिए मैंने प्रॉपर बनाया है कि आप लोग कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट को, और मतलब वीडियोज़ के थ्रू और आप बुक्स के थ्रू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, वो सारा मैंने आपको बताया। तो प्लेलिस्ट आप लोग एक्सेस कर लेना, इसमें अभी 4 वीडियो हैं। और अभी मैं जो नया बताने वाला हूँ आपको कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS एंड डिजिटल लॉजिक, तो उसके लिए भी आप लोग इसी प्लेलिस्ट में चले जाना। मैं आपको इस प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूँगा जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी तक की सीरीज में सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हमने बता ही दिए हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हो जाने के बाद। फिर इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर नेटवर्क बचेगा, तो उसके लिए भी एक सेपरेट डॉक फाइल में रेडी करके आप लोगों को पीडीएफ बना दूंगा और बता दूंगा कि इसको आप लोग कैसे प्रिपेयर करना। और एक और चीज़ की सबसे पहले आप लोग ध्यान देना कि कोई भी सब्जेक्ट्स को पूरा छोड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी रहते हैं टॉपिक में, और अगर आप लोगों ने बिल्कुल कंसेप्ट देखा नहीं होगा, मतलब आप लोग पूरा छोड़ के गए होंगे टॉपिक को, सब्जेक्ट को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो वो रिग्रेट रहेगा। तो ऐसी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अभी 2023 के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने का टाइम है, और ठीक टाइम है। ऐसा नहीं कि आप लोग स्कोर नहीं कर सकते, इसमें भी आप लोग अपना जो एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो उसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग और करिए, और जो वीक सब्जेक्ट्स उनको भी टाइम दीजिए, सिर्फ थोड़ा कॉम्बिनेशन में मैनेज करके चलना। और बाकी तो इस चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं कि आपको कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी, बाकी सारी चीज़ें, तो आप इस चैनल पे विजिट करना और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड डिजिटल लॉजिक, ये कम्बाइन, ये जो मार्क्स हैं 2021 के मार्क्स हैं, 22 का भी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही मतलब अपडेट, क्या मार्क्स तो आ चुके हैं एक्चुअली, हम लोगों ने अभी अपडेट नहीं किया, तो अपडेट जैसे ही हो जाएगा एक्सेल शीट में, तो वो मैं फिर आपको 2022 के वो पूरा एक मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि मार्क्स किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है पिछले 5 से 10 साल का, जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा वो आपको बता दूंगा। पर 2020-21-22 का तो पक्का बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसा क्या क्या आया है। तो ये कम्बाइन तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वेटेज के हैं, 19 to 23 मार्क्स, 90 मिनिमम मार्क्स आए हैं इनमें से। मिनिमम क्या एक्चुअली 2021 में सेट 1 सेट 2 हुए थे, तो सेट 1 या सेट 2 के जो मिनिमम मार्क्स थे वो 19 थे टोटल मिला के तीनों सब्जेक्ट्स के, जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे मतलब सेट 2 या 1 में से जो भी है तो 23, तो मतलब ये अगर आप एवरेज लगा के चाहे तो 20 मार्क्स तो हैं ही हैं, 20 to 25 मार्क्स तक का आ सकता है इसमें से। तो चलो सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसे कि मैं आपने सीरीज देखी थी उसमें मैंने ये बताया कि सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पे मतलब फोकस करना है कि सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप कुछ का कुछ पढ़े जा रहे हैं तो वो किसी काम का ही नहीं रहता। तो इसमें से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ टॉपिक है वो आप एकदम नोट डाउन कर लेना अपना, DBMS में क्या क्या है, ये चीज़ें इतनी चीज़ें पढ़नी है बस। SQL काफ़ी क्वेश्चन इजी आते हैं, रिलेशन एलजेब्रा के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वो भी इजी रहते हैं, BNBP का हमेशा इंडेक्सिंग का क्वेश्चन आता है, ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी का भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, बहुत रेयर होता है कि एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन रिलेशन मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन फाइल सिस्टम से आते हैं, और जो डेडलॉक प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिस्टम कॉल से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारा आइडिया आपको लग ही जाएगा। और थर्ड सब्जेक्ट्स अपना डिजिटल लॉजिक, तो डिजिटल लॉजिक्स में बहुत ही
इजी टू स्कोरिंग सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक भी। ये तीनों सब्जेक्ट्स एक्चुअली में ना इजी टू स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS और डिजिटल लॉजिक। मतलब इसमें बहुत कम चांस है कि आप लोग मतलब मिस करो, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ लेंथी आते हैं, तो बहुत इजी टू स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स हैं जिनको तो प्रॉपरली करके जाओ। और डिजिटल लॉजिक में बोलिए ले पर काफ़ी इजी टॉपिक, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में, सिक्वेंशियल सर्किट वाला थोड़ा सा काउंटर और डिकोडर नहीं, काउंटर और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं थोड़ा सा, वो हल्का सा डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को, पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट में तो कोडर डिकोडर ये सब कुछ, इनकोडर डिकोडर कोडर कुछ नहीं होता, कोडर तो हम लोग होते हैं एक्चुअली, हम लोग जैसे कोडिंग करते हैं उसको कोडर बोलते हैं। जैसे अगर मैं कोडिंग करूँ तो मेरे को लोग ऐसे बोलेंगे अरे तो बहुत अच्छा कोडर है, अच्छा कोडिंग करता है। तो डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम के बाद आप लोग कोडिंग पे भी ध्यान देना, तो वो तो मैं गाइड आपको करते रहूँगा रिप्लेसमेंट्स लेने के लिए, वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन काफ़ी अच्छा, मतलब जो इजी टॉपिक, इसमें नंबर रिप्रेजेंटेशन फिक्स पॉइंट ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये भी उतना हार्ड नहीं है। तो इजी टू स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके सबके तो पहले सिलेबस आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद वीडियो लेक्चर से आप लोग देखना चाहते हैं कि कोर्स में क्या क्या रहता है, तो यूनिवर्सिटी का आप 4 प्ले लिस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। काफ़ी बेसिक्स तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में 6 to 8 मार्क्स का है, मतलब 6 मार्क्स का आई थिंक सेट 2 में आया था या 1 में, इसके एक्चुअली मैं सेट 1 सेट 2 लिख नहीं पाया, और 8 मार्क्स का सेट 1 में आया था शायद, और सेट 2 में 6 मार्क्स आई थिंक सो। ओके, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये आपको 4 सेक्शन मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 यूट्यूब पे हैं, तो आप लोग ये एक्सेस कर लेना प्लेलिस्ट। अब इनको मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिमिलरली नीजू अकेडमी का पर्सनली मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ, और ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 77 वीडियोज हैं, तो इस बहुत बेसिक्स और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब बहुत कंसेप्चुअली और बहुत एकदम आराम से। तो वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देना, देखना और इसके नोट्स भी बना लेना, अगर जैसे कम टाइम है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करना। और मोस्टली अगर आप नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन के टाइम में काम आएगा जनवरी में, तो नोट्स अपना खुद का ही बना, किसी और के नोट्स पर बिल्कुल रिलाई ना करें। तो ये मैं आपको बता दिया नीजू अकेडमी का। और एक अच्छा ओके या गो क्लासेस का भी बहुत अच्छा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विशाल सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, और विशाल सर को आप लोग जानते हैं कि इन्होंने एमटेक अपना आईसी बेंगलोर से किया है, और पीएचडी आईआईटी दिल्ली से आई थिंक अभी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, पर ये आप देख सकते हैं टू आवर्स की वीडियो हैं, तो 3 वीडियो देखोगे आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। कोई 1-2 क्वेश्चन तो आपके इसमें से पक्के आ जाएंगे, सिस्टम कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रोसेस से भी आते हैं हमेशा क्वेश्चन, मतलब प्रोसेस क्रिएशन कैसे क्या होता है, और बेसिक्स का कभी आ जाता है जो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकल रहता है ना, तो इसमें भी वीडियो और डल जाएंगे, तो आप लोग देख लेना। गो क्लासेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये लोग, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल क्या, चलो मैं थोड़ा सा आपको डीप में बता देता हूँ चीज़ें, अब वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप लोग ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल क्या है कि 2020 के बाद पैटर्न थोड़ा सा गेट का स्लाइडली चेंज हुआ है, और पैटर्न ऐसा चेंज हुआ है कि कंसेप्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और कोचिंग वाले बच्चे क्या करते हैं कि कंसेप्ट पर उतना ध्यान देते हैं। तो गो क्लासेस ने एक इनिशिएटिव लिया था 2021 में कि ये लोग कॉन्सेप्ट्स को प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे इंट्यूटिव तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको कोई चीज़ याद नहीं रखनी, क्योंकि एग्जाम में याद की हुई चीज़ तो ऑलमोस्ट सारी भूल ही जाती है। तो मतलब ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और नो डाउट आईएससी से एलुमिनाई पीएचडी कर रहे हैं, और कितना इन्होंने तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विशाल सर है ना, इन्होंने तो एकदम कोड तक इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, और एमटेक में कोड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोड होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के सारे कोड इन्होंने खुद इम्प्लीमेंट किए हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम और जो भी एल्गोरिथम्स होती हैं सबका एकदम कोड इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जान सकते हैं कितना बेहतरीन पकड़ है इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप लोग ये वीडियोस अभी अपडेट हो जाएगी प्लेलिस्ट, और अभी 3 वीडियो हैं, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको DBMS 7 to 8 मार्क्स, अगेन नीजू अकेडमी बहुत अच्छा है इसमें कंटेंट, एक बार चलो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको,
इसमें कितना वीडियो, 29 वीडियोस हैं, अभी भी अपलोड हो रहे हैं इनके वीडियो। शायद रिलेशनल अलजेब्रा का रिसेंटली अपलोड हुआ था वीडियो, हाँ 2 डे अगो रिसेंटली वीडियो हुआ है, अपलोड हुआ है, और आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से आई थिंक 18 नवंबर तो ये वीडियोज़ भी आप लोग देख लेना DBMS के, नीजो अकेडमी के, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। और एक द गेट बुक करके वेबसाइट है किरण सर, वो ये भी AIC से एलुमिनाई हैं, तो इनका भी DBMS बहुत ही अच्छे शानदार लेक्चर्स हैं, तो ये आप लोग देख लेना। गेट की प्रॉब्लम्स सोच कराई हैं सर ने, तो ये आप लोग देख लेना। और अगेन मतलब ये गो क्लासेस मैंने लास्ट में, ऐसे नहीं है कि ये आपको इस सिक्वेंस में फॉलो करना है, आप इन तीनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं। वो तो मैं सर्च जब कर रहा था तब मैंने लिख दिया गो क्लासेस को, ऐसा कुछ नहीं कि आपको गो क्लासेस सबसे लास्ट में देखना है, इसका ध्यान नहीं देना है। फिर DBMS का 3 प्ले लिस्ट हैं, ये मैं सारी ओपन कर देता हूँ। गो क्लासेस का दीपक सर ने क्लास ली है, बहुत ही शानदार तरीके से, देखो आपके कचरे में क्या है। ये प्ले लिस्ट है नॉर्मलाइजेशन के लिए, शानदार 32 वीडियोस हैं। आप गो क्लासेस की आप अगर आप लोग प्ले लिस्ट एक बार फॉलो कर लेंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत इंटिट्यू, बहुत डीप तरीके से चीज़ें बताई हैं, कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में जितना कम से कम याद रखना पड़ेगा उतने क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, कॉन्सेप्ट सब पकड़ होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा रखी हैं, तो बहुत आपको मजा आएगा। NPTEL जो IIT से प्रोफेसर होते हैं वो कैसे पेपर बनाते हैं, और ये लोग NPTEL के असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कराएँ, तो बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें कराई हैं, इस पर ध्यान देना। और ये भी हैं, इसमें कितना वीडियोज़ हैं, इसमें 27 वीडियो हैं, तो ये सारी आप लोग एक्सेस कर लेना। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा मैं कमेंट में आपको, तो कोई इशू होगा नहीं। इसमें 13 वीडियोज़ हैं डिकम्पोजिशन वगैरह के, और भी जो चीज़ें हैं अभी आप लोग गो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो रेगुलरली क्या अभी अपडेट होती रहेंगी चीज़ें। अभी नवंबर है, दिसंबर में, जनवरी में अपडेट होती रहेंगी, तो आप लोग एकदम जो भी लाइव क्लास आती है कुछ भी होता है, तो आप उसको अटेंड करें, और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, और अपने आप को इम्प्रूव करें, और उससे आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। और स्कोर बढ़ाना ही तो आपका मेन मोटिव है, मतलब ऐसा नहीं मेन मोटिव, मतलब जो आउटपुट एट द एंड आउटपुट मतलब तो चाहिए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स समझ लेंगे पर उसको अप्लाई भी तो करना, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, जो कि मैं अभी बाद में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। तो ठीक है, DBMS भी 7-8 मार्क्स का आता है, 6-8 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और अब चलते हैं डिजिटल लॉजिक पर। डिजिटल लॉजिक पर आ गया नीजो अकेडमी, वन ऑफ द माई फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑन द यूट्यूब। नीजो अकेडमी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है कुछ कंटेंट, तो जहाँ से CS का बुलियन अलजेब्रा शुरू हुआ है आप लोग यहाँ से शुरू कर देना। और काफ़ी 202 वीडियो हैं, तो जितना आपका रिक्वायर है सिलेबस, अगेन मैं कहता हूँ ना सिलेबस पर नीजो अकेडमी ने डिजिटल लॉजिक बहुत ही शानदार और कम्प्लीट है इसमें। अभी OS DB में शायद कम्प्लीट नहीं है, OS तो शायद कम्प्लीट है, एग्जैक्टली 77 वीडियो हैं तो काफ़ी है वो, पर DBMS अभी कम्प्लीट नहीं था, 29 वीडियो थे नीजो अकेडमी पे, तो वो अभी अपलोड होते रहेंगे धीरे धीरे। पर डिजिटल लॉजिक पूरा कम्प्लीट है, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसको तो आप लोग ज़रूर कर लेना। टाइम कम है तो नोट्स नहीं बना पाओ, तो कॉन्सेप्ट से एक बार ज़रूर देख लेना, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ को राइट डाउन कर लेना, तो रिवीजन के काम आ जाएगा वो। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल लॉजिक वन ऑफ द बेस्ट प्ले लिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा गो क्लासेस का अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्लेलिस्ट पूरी आप एक्सेस कर लेना, मैं अभी एक एक करके ओपन नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना। सारे फंक्शन कम्प्लीटनेस सिक्वेंशियल सर्किट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। सिक्वेंशियल सर्किट ही लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, सिक्वेंशियल सर्किट और जो फाइनल स्टेट मशीन होती है वो FSM, उसके बारे में सारे वीडियोस सारे बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है दीपक सर ने। गो क्लासेस के फाउंडर हैं और पढ़ाते भी हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। DBMS भी सर पढ़ाते हैं, डिजिटल लॉजिक TOC और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मुझे ही लगता है कि अभी तक इनसे अच्छा कोई पढ़ाया है यूट्यूब में और वेबसाइट में, गेट में, मतलब स्पेशली मैं गेट की बात कर रहा हूँ।
ये कोई वाला वाला एकेडमी पे मत जाना आपकी, वहाँ प्रमोशन कर रहे हैं। अरे गॉड ऑफ टीचिंग, गॉड वर्ड कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स जो अच्छे से पढ़ाए, प्रूफ के साथ पढ़ाए, वो जो तुम्हें समझ में आए वो तुम अप्लाई कर सको उस चीज़ को, उसको मतलब याद नहीं रख के फिर भी सोच के उसको अप्लाई कर सको, वो चीज़ होती है पढ़ाने का। ऐसा नहीं कि किसी के नाम से ऐसा सिलेक्शन वगैरह कोई होते नहीं है। चलो वो तो चलो, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बात कर देता हूँ, कोई नहीं, कर लेता हूँ कभी कभी। तो ये तो अभी वीडियोस के बारे में मैंने बता दिया। अगर किसी को मतलब वीडियो से पढ़ने को इतनी आदत नहीं होती है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो बुक्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो थ्योरी बुक्स है, गैल्वन एंड टेरेनबॉम, बहुत अच्छा थ्योरी दिया है, और इसके आप लोग एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। पर स्पेशली प्रैक्टिस के लिए बेलिंगम स्टेलिंग की काफ़ी अच्छी बुक्स, इसमें काफ़ी अच्छे नाइस एग्जाम्पल्स हैं। और गेट में एक्चुअली क्या होता है कि कई बार एग्जाम्पल से या एक्सरसाइज से मतलब नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम आते हैं, बट काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं। तो आप अगर आप मतलब स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस लगाओगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको एक्चुअली। और स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस के लिए एक पीडीएफ भी है गेट ओवरफ्लो में, तो वो भी मैं एक दिन आपको सेपरेट बता दूंगा कि कितनी पीडीएफ हैं, कहाँ से कौन सी एक्सेस करनी है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, तो जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। और डीबीएमएस के लिए भी सिमिलरली आप नवादे कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट बुक है मेरी, मतलब कुवत और नवादे में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और इजी टू मतलब इसकी लैंग्वेज ना काफ़ी इजी है कोर्थ की, और आप लोग यूज कर लेना दोनों को। कुछ कुछ चीज़ें आपको रेफ़र करना पड़ेगा नवादे में, कुछ आपको कोर्स में, से दोनों को पढ़ लेना। और प्रैक्टिस के लिए रखो मतलब इसमें भी जो नवादे कोर्थ में जो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दी होने, और आप जितना हो सकता है उतना ट्राई करना, कोशिश करना करने की। और रघुराम कृष्णन में भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल लॉजिक के लिए चार्ल्स ग्रोथ की बुक है, और मॉरिस मेनो की तो मतलब बहुत लोग रेफ़र करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लिए, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी एक्सरसाइज हैं। पर अगर इसे टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो स्टैंडर्ड बुक से एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल्स तो आप लोग समझ सकते हो, वहीं से देख के कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा आपको कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, मतलब लास्ट ईयर कैसे आए थे, क्या क्या और आ सकता है, इस टाइप का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो वही बात की फोर्थ पॉइंट है अपना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कहाँ से सॉल्व करने हैं। तो गेट ओवरऑल की PDF है वॉल्यूम 3 के नाम से, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, गिटहब में लिंक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, थोड़ा सा लोड हो रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, इसलिए मैं लिंक दे देता हूँ डायरेक्ट, मैं PDF ओपन करके नहीं दिखाता। अनेबल टू रेंडर रिच डिस्प्ले, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था, फिर भी 8 सेकेंड में डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी, तो ये लिंक मैं क्लोज कर देता हूँ। सारा डॉक फाइल में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब इसमें ये आपका कंप्यूटर, सॉरी डेटाबेस, यहाँ से क्वेश्चन लगाना, डेटाबेस में कितने क्वेश्चन है, 243, बिना आंसर देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आंसर देख सकते हैं, बिना सॉल्यूशन देखे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्क्स कितने के आए हैं, कैसे आए हैं, 2021 तक का डेटा है, अभी 2022 का अपडेट हो जाएगा, और 2022 के क्वेश्चन भी इस PDF में नहीं है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा आपको। और जैसी कोई सारी अपडेशन हो जाएगी दिसंबर एंड तक, तो जनवरी में आप लोग 2022 की चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि उसके लिए वेट करना है आपको, कोई वेट नहीं करना है उसका, आप लोगों को सीधा वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी इससे प्रैक्टिस करें, इसमें सिर्फ 2022 का डेटा नहीं है, मतलब पेपर भी नहीं है, और ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है वो भी नहीं है, ठीक है। तो वो जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 243 इसमें है डिजिटल लॉजिक में, 273 क्वेश्चन हैं, तो सारे टॉपिक वाइज हैं सारे। और एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि PDF को कैसे यूज करना, 3 वॉल्यूम्स हैं जो गेट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उनको कैसे यूज करना है, वो एक डिटेल वीडियो आधा घंटे तक अच्छे से मैं बना दूँगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाता नहीं हूँ। अप्रॉक्सीमेट सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन भी हैं 305, तो 250-250 ये मान लो, 300 क्वेश्चन अराउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन है तीन सब्जेक्ट्स के, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना आप, तो क्योंकि टाइम कम है। और अगर कोई सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट या थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। तो ये चीज़ थी कि प्रीवियस ईयर की बुक्स, यहाँ पे आंसर वगैरह सब कुछ दिए हैं, कैसे यूज़ करना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन होगा DBMS का,
सपोज करिए क्वेश्चन से आपके आपको इसका आंसर देखना है, तो यहाँ पे आंसर पर क्लिक करोगे तो आंसर खुल जाएगा, ठीक है। और इसको न्यू टैब में खोलोगे, ओके सॉरी, इसको क्लिक करोगे तो आप लोग वेबसाइट पे सीधा रेंडर हो जाओगे, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, गेट और अपलोड पे। तो आप जब पीडीएफ खोलें ना तो किसी पीडीएफ रीडर में खोलें, क्योंकि मैंने वेबसाइट में खोला था, वहीं पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रेंडर होगी, वो जहाँ पे पीडीएफ खुली थी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना भी प्रिपरेशन कर लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, पर अपने आप को इवेल्यूएट करना, देखना कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे नहीं अपने आप को कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, और वहाँ एक्सपेक्ट करोगे मैं टॉप रैंक लाऊंगा, तो मतलब इम्पॉसिबल ही है, मतलब और कुछ नहीं है, उसके अलावा कोई बर्डन नहीं है, इम्पॉसिबल है वो चीज़। तो ये टेस्ट सीरीज आपको लगाने हैं गेट ऑफ लोग क्लासेस की, और सारा चीज़ आपको मैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग वीडियो मैंने बनाया हुआ, तो वो आप लोग चैनल पे अपना आपका ही चैनल लेगे टेन टाइम, तो इस पे जाके आप लोग देख लेना, पूरा टेस्ट सीरीज के बारे डिटेल में बनाया है कि कैसे टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, एनालाइज कैसे करना, सारा चीज़ मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जैसे अब अगर जैसे लास्ट में होता है कि बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन सा फील होता है कि यार इतने दिनों एग्जाम की प्रिपरेशन की, अब नंबर वही 30-40 ही आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट लगाओ, गलतियों को लिखो, उनसे सीखो, उनको करेक्ट करो, और नेक्स्ट में वो चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट मॉक में वो गलती रिपीट ना हो जो पिछले मॉक में हो गई है। तो बस ऐसे धीरे धीरे बढ़ोगे, तो अभी 2-2.5 महीने में अगर आपके अभी भी 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो अराउंड मतलब आपके 40 आ रहे हैं ना तो 60 तक हो जाएंगे, 30 आ रहे तो 50 तक, ऐसे 20 नंबर तक आराम से बढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वहाँ आपका अच्छा लक चल गया, मान लो माइंड अच्छा चल गया, तो थोड़ा सा और फ़ायदा हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 3 सब्जेक्ट्स भी आपको इजी टू स्कोर है, तो बढ़िया तरीके से आपको करना है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सबको बिल्कुल हमारी तरफ से तो शुभकामना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 सब्जेक्ट्स में स्पेशली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, और जो चीज़ टफ नहीं है उसमें अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जो चीज़ सिंपल है उसको तो अच्छा करना ही है, जो चीज़ टफ है उसको भी ट्राई करना है, उसमें से जितना मैक्स टू मैक्स अपन निकाल सकते हैं कम टाइम में, वो चीज़ देखनी है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे इशू आ रहा है आपको प्रिपरेशन में, या कुछ प्रॉब्लम है, या लाइव सेशन करना है, या कुछ भी, तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट वीडियो CO एंड CN के बारे में आएगा कि सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी पाइपलाइन में मैंने सारा एक एक्सेल शीट में बना रखा है, तो वो चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, और धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे जितना मेरे को टाइम मिल पाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये मार्क्स ध्यान देना, बहुत वेटेज है, इतना मार्क्स ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचा सकता है आपको। तो बस ये आपका ही चैनल है गेट एंड टेक, आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, आपका ही अपना चैनल है गेट एंड टेक, और इसको शतक के पार ले जाओ, और फिर तो शतकों का शतक लगवाओ, जितना भी आपको लग रहा है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।